हेलो स्टूडेंट्स नो लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन इलेस्ट्रेशन नंबर थर्टीन राधा एंड विकास वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रपोर्शन ऑफ थ्री टू टू रेस्पेक्टिवली बैलेंस शीट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन स्टूड एज फॉलोज सो जैसे मैं गिवन बैलेंस शीट देख रहा हूं तो वहां पे मुझे करंट अकाउंट बैलेंस दिखाई दे रहा है राधा एंड विकास का इसका मतलब ये होता है कि गिवन सम जो है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है नाउ इन दिस मेथड जो भी पार्टनर्स रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होंगे वो सब करंट अकाउंट के थ्रू होंगे एंड जैसे मैं लास्ट लाइन भी देख रहा हूँ वहां पे भी इन्फॉर्मेशन में यही बोला है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फार्म मतलब कैपिटल अकाउंट के रिप्लेसमेंट में हम यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट ड्रॉ करेंगे बिकॉज फिक्स कैपिटल मैथड है कैपिटल बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा लेट सी राधा एंड विकास ने किसे एडमिट किया ऑन फर्स्ट अप्रैल 2019 ओम वाज एडमिटेड टू फर्म ऑन फॉलोइंग टर्म्स सो जैसे प्रिपेयर करने जो बोला है हम प्रिपेयर कर लेते हैं इवन पार्टनर्स करंट अकाउंट में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही करंट अकाउंट बनेगा दैट राधा एंड विकास का तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग का जो गिवन बैलेंस शीट के आइटम होंगे जिसके हमने अकाउंट ड्रॉ किए होंगे सो so, लाइबिलिटी में से करंट अकाउंट ऑफ राधा एंड विकास करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा 2400 एंड 2800 रुपीस एंड बैंक बैलेंस जो है 2200 रुपीस वो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा नाउ लेट्स सी वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट प्रमाइजेस वर टू बी वैल्यूड एट रुपीज थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड रुपीज सो ओल्ड वैल्यू ऑफ प्रोमाइजेज इज टू लैख एटी तो मैं सबसे पहले असेट्स में टू लैक एटी लिख देता हूं करंट वैल्यू 340 है इसका मतलब यह है कि एप्रिसिएशन हुआ सिक्सटी थाउजेंड रुपीज से एंड आउटर कॉलम आंसर इज थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड रुपीज नॉ सिक्सटी थाउजेंड जो एप्रिशिएट हुआ वो प्रॉफिट है तो री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रमाइज इज सिक्सटी थाउजेंड रुपीज फर्नीचर एंड फिक्सचर एट रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज तो ओल्ड वैल्यू ऑफ फर्नीचर फिक्सर ट्वेंटी टू एट हंड्रेड है तो बैलेंस शीट में आ जाएगा ट्वेंटी टू एट हंड्रेड करंट वैल्यू ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड हो गया तो हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन टू थाउजेंड रुपीज एंड आउटर कॉलम आंसर ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड आएगा असेट्स का वैल्यू डिक्रीज हुआ इसका मतलब ये हमारे लिए लॉस है तो किधर चला जाएगा डेबिट साइड में टू फर्नीचर अकाउंट टू थाउजेंड रुपीज अ प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ऑफ रुपीज टू थाउजेंड वॉज टू बी मेड सो so, डेटर्स का वैल्यू एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड है प्रोविजन मतलब आर डी डी टू थाउजेंड रुपीज बोला है तो हम माइनस कर देंगे एंड आउटर कॉलम आंसर सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज एंड इसका सेकेंड इफेक्ट भी डेबिट साइड में आ जाएगा टू आर डी डी अकाउंट टू थाउजेंड रुपीज एंड लास्ट स्टॉक शुड बी रीवैल्यूड एट रुपीज फिफ्टी एट थाउजेंड ओल्ड वैल्यू 54 है करंट वैल्यू 58 है मतलब फोर थाउजेंड रुपीज से इंक्रीज हुआ और ये फोर थाउजेंड रुपीज प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय स्टॉक अकाउंट फोर थाउजेंड रुपीज लेट सी नेक्स्ट एडजस्टमेंट ओम शुड ब्रिंग इन रुपीस एटी थाउजेंड एज कैपिटल एंड रुपीस ट्वेंटी थाउजेंड एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड इट वॉज रिटेन इन द बिजनेस एंड ही शुड बी गिवन वन फोर्थ शेयर इन द फ्यूचर ओम शुड ब्रिंग इन रुपीज एटी थाउजेंड एज कैपिटल सो बिजनेस में कैश कम्स इन है तो मेरा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड अमाउंट आ जाएगा एटी थाउजेंड रुपीज एंड जैसे कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है हमने कैपिटल नहीं बनाया है अकाउंट तो ये डायरेक्ट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में रिकॉर्ड हो जाएगा ओम्स कैपिटल एटी थाउजेंड रुपीज एज इट इज राधा एंड विकास के कैपिटल में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा बिकॉज फिक्सड कैपिटल मेथड है तो इनका भी अमाउंट लिख देते हैं टू लाख रुपीज एंड विकास वन लाख ट्वेंटी एंड आउटर कॉलम टोटल लिख देते हैं फोर लाख रुपीज एंड इसी में गुडविल की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड एज इज शेयर ऑफ गुडविल एंड इट वॉज रिटेन इन द बिजनेस एंड ही शुड बी गिवन वन फोर्थ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स सो गुडविल यहां पे कैश में आ रहा है तो हमें दो एंट्री तो कंफर्म पास करनी ही है उसमें सबसे पहला एंट्री हमारा क्या हो जाएगा दैट बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज न सेकेंड एंट्री जो होता है हमारा गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बट यहां पे मैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के बजाय मैं यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखूंगा बिकॉज इट्स अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड सेक्रीफाइज रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा सो so, हमें नोट ऑलरेडी पता है वेन न्यू रेशो इज नॉट गिवन ओल्ड रेशो ही हमारा सेक्रीफाइज रेशो होता है सो थ्री टू टू ही हमारा sacrifice रेशो होगा तो so, एंट्री बन जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू राधाज करंट अकाउंट एंड विकास करंट अकाउंट ना ये इसका पोस्टिंग कर देते हैं पहले बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा ट्वेंटी थाउजेंड एंड गुडविल के क्रेडिट में आ जाएगा एंड सेकेंड एंट्री गुडविल के डेबिट साइड में ट्वेल्व और एट थाउजेंड रुपीज और इसका एक इफेक्ट पार्टनर्स कैपिट पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई गुडविल अकाउंट ट्वेल्व थाउजेंड एंड एट थाउजेंड रुपीस नाउ थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है द लोन फ्रॉम बालू वॉज रीपेड थ्रू एन ई एफ टी सो so चेक करते हैं कि बालू का लोन कितना है सो लोन फ्रॉम बालू इज फोर्टी थाउजेंड रुपीज मिस प्रिंट है ये दोनों अमाउंट एक्चुअली ऊपर साइड का है सो लोन फ्रॉम बालू इज फोर्टी थाउजेंड रुपीज देन बालू का रीपेमेंट किया जा रहा है सो so, ये रीपेमेंट करना मीन्स हमारे पास से पैसा जाना होता है एंड फ्यूचर बैलेंस शीट में लोन फ्रॉम बालू नहीं दिखाई देगा क्योंकि पूरा रीपे हो चुका है सो so, इसका इफेक्ट डायरेक्ट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे फोर्टी थाउजेंड रुपीज बिकॉज पैसा इज गोइंग आउट नाउ अब बचा हुआ आइटम जिसका हमने पोस्टिंग नहीं किया है उसकी पोस्टिंग कर देते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट सारे हो चुके हैं लेट्स सी हम स्टार्ट कहां से करेंगे असेट से असेट्स के सारे आइटम हो चुके हैं सो so, क्रेडिटर सिर्फ एक बचा हुआ है लाइबिलिटी साइड में जो कि ट्वेल्व थाउजेंड रुपीस है नाउ विद दिस हमारा सारा पोस्टिंग भी डन अब हम क्या करेंगे अब हम यहां पे बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट सो क्रेडिट साइड टोटल इज सिक्सटी फोर थाउजेंड रुपीज एंड डेबिट साइड टोटल इज फोर थाउजेंड सो बैलेंस अमाउंट इज सिक्सटी थाउजेंड प्रॉफिट है ये ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा करंट अकाउंट में बिकॉज अगेन फिक्सड कैपिटल मेथड है थ्री स्टू टू में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राधा एंड विकास में तो राधा को थर्टी सिक्स एंड विकास को ट्वेंटी फोर चला जाएगा एंड यही अमाउंट करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज नेक्स्ट हम पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज करते हैं चेक करते हैं राधा का क्रेडिट साइड टोटल अमाउंट कितना है सो क्रेडिट साइड इज फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड डेबिट नील बैलेंस है सो so बैलेंस भी कितना आएगा फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड ही आएगा इवन विकास का भी सिर्फ क्रेडिट साइड बैलेंस है जो कि थर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड है एंड डेबिट साइड जीरो बैलेंस है तो हमें बैलेंस थर्टी फोर एट हंड्रेड दिखाई देगा ना ये पैसे हम डेबिट साइड लिख देते हैं फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन और ये बैलेंस ट्रांसफर होगा लाइबिलिटीज में एज अ पार्टनर्स करंट अकाउंट राधा 50,400 एंड विकास 34,800 एंड आउटर कॉलम में टोटल 85,200 फाइव थाउजेंड बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे बैंक का डेबिट साइड टोटल वन लैख टू थाउजेंड टू हंड्रेड है फोर्टी थाउजेंड क्रेडिट साइड माइनस किया तो सिक्सटी टू टू हंड्रेड बैलेंस है तो सेट्स में चला जाएगा बैंक सिक्सटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज एंड गुडविल टैली होता है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज से एंड फाइनली हमारा बैलेंस शीट भी टैली होना चाहिए जो कि अमाउंट है फोर लैक नाइन्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीस